अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया और आज हम बना रहे हैं मूंगी मसर की दाल। मूंगी मसर की दाल बाज़ लोग बाद में तड़का लगाते हैं, लेकिन कभी वैसे भी बनाइएगा और कभी ऐसे भी बनाइएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े की बनती है। मैंने यहाँ पे प्याज़ों को फ्राई होने के लिए रख दिया है। जब ये प्याज़ हल्के से ब्राउन होंगे तो फिर ये देखें, यहाँ पे मैंने लिए हैं एक टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्चें और कुछ जवे लहसुन के। अब हम इन तीनों को पीस लेंगे, ये ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद जब इसमें हम नमक मिर्चें पहले डालेंगे, बाद में डालेंगे लहसुन वगैरह, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर नमक मिर्चें वगैरह डाल के फिर हम, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा जी, यहाँ हमारे प्याज हो गए फ्राई। अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये हल्दी है, साथ में थोड़ा सा नमक मिक्स है और ये लाल मिर्चें हैं और ये कुटी हुई मिर्च है। हम इसके अंदर ये डाल के इसको थोड़ा सा भुनेंगे, ये अपना कलर अच्छा सा छोड़ देगा। अब ये हम डाल देंगे इसके अंदर ये नमक, सॉरी लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, ये देखिए इतना प्यारा सा कलर बन गया, और टमाटर। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब अच्छे से भून जाएगा, कभी आप इस तरह से भी दाल बना के देखिएगा। बाज़ लोग लहसुन का तड़का बाद में लगाते हैं, लेकिन कभी आप इस तरह से भी बना के देखिएगा, ये बहुत टेस्टी तड़के वाली दाल बनती है। अभी अच्छे तरीके से जब ये तेल छोड़ देगा ना, उसके बाद हम पानी डालेंगे। जिस तरह हम चावलों के लिए पानी पहले बॉईल करने के लिए डालते हैं, इस तरह हम लोग दाल के अंदर भी डालेंगे। अच्छा ये देखें, जब हमारा इस तरह से मसाले ने ऑयल छोड़ दिया उसके अंदर, अब हम ना ये एक गिलास के करीब पानी डाल देंगे, ठीक है। और ये जो दाल है, अब ये देखिए ये जो दाल है इसके अंदर भी जो पानी है वो भी सारा डाल। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, मैं थोड़ी सी पतली बनाऊंगी। इस तरीके से बहुत माशाल्लाह अच्छी दाल बनती है। अब ये पक जाएगी, इसको बॉयल आ जाएंगे कुछ देर के लिए। बाद में हमें तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना लहसुन के किसी भी चीज़ का तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये तड़के वाली दाल बहुत मज़े की बनती है, कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। हम लोग तो पहले वो मूंगी मसर की दाल पका के और उसके बाद लहसुन का तड़का लगाते थे, लेकिन अब जब से मैंने इस तरह बनाना स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बनती है। आप लोग भी ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।